नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में फिर से आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। हाँ दोस्तों, यह बहुत सिंपल रेमेडी है और आपके दाग धब्बे और आपके डार्क सर्कल बिल्कुल ही हटा देगी। दोस्तों गैस करो क्या हो सकता है। चलो मैं आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं डालूंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लिए एक सरप्राइज है। देखिए दोस्तों, ये है कोकोनट ऑयल और कपूर। दोस्तों इसे हम ज्यादातर हवन में इस्तेमाल करते हैं और यह हमारे चेहरे के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों शायद आपको इस बात का नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ कि आपके चेहरे पर 100% उसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों हम अपने डार्क सर्कल से बहुत परेशान रहते हैं, हमारे चेहरे पर टाइम से पहले ही झुर्रियां आने लगती हैं। उसका रीजन है काम का प्रेशर और हम दिन रात काम पे लगे रहते हैं, हम अपने चेहरे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी किसी भी टाइम अपने घर पर बनाकर, दोस्तों अगर आप इसे स्टोर करके रख लेंगे तो इसे आपको बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं होगी और इसे आप कभी भी किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी ना तो कोई एक्सपायरी डेट जाती है ना ही ये खराब होता है। शायद दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, कोकोनट ऑयल हमारे शरीर के कालेपन को दूर करता है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों यह कई बीमारियों में काम भी आता है। कई बार जलने के बाद हमारी स्किन जब ब्लैक हो जाती है तो बड़े बूढ़े इसी को लगाकर हमारी स्किन का कालापन दूर करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको किस तरह इस्तेमाल करना है। यह छोटी छोटी क्यूब्स ली हुई हैं। अब हम इस क्यूब्स को बारीक पीस लेंगे। हमें इसे हल्का हल्का पीसना है। दोस्तों यह हमारे घर को तो शुद्ध करता ही है, इससे हमारे चेहरे की ब्लैकनेस भी हट जाती है। ये जरूरी नहीं कि आप इसे डार्क सर्कल पर ही लगाएं, आप इसे चेहरे पर कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसे कहीं भी, अगर आपके शरीर पर काला भाग है या आपकी दाग धब्बे गायब नहीं हो रही है, तो आप इसे वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैंने इसे बारीक पीस लिया है, यह बिल्कुल बारीक हो चुकी है। अब हमें इसे कोकोनट ऑयल में मिलाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे किस तरह मिलाना है। आप इसे थोड़ा सा और बारीक कर लीजिएगा ताकि यह हमारे ऑयल में मिलने में आसानी हो। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है। दोस्तों इस रेमेडी से आपके चेहरे का कालापन तो दूर होगा ही, साथ में आपके चेहरे की झाइयां भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। दोस्तों आप इसे लगाएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि आपके चेहरे पर कितनी अच्छी शाइन आ चुकी है। और दोस्तों इससे आपका चेहरा काफी व्हाइट होगा और दोस्तों ये एक्नी पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको किस तरह इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, इससे मैं एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाऊंगी और इसे मैं अपनी कटोरी के अंदर मिला लूंगी और इसी के अंदर हमें यह कपूर मिलाना है। देखिए दोस्तों मैंने कपूर भी इसके अंदर मिला लिया है। दोस्तों इससे हमारे चेहरे पर बहुत शाइनिंग भी आएगी और यह हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं, अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपके चेहरे का रूखापन भी गायब हो जाएगा। आपको इसे इसी तरह फेंटना है। देखिए दोस्तों हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर इसे अपने चेहरे पर आप लगाएंगे तो आप मार्केट के मिलावटी प्रोडक्ट से भी बचेंगे। दोस्तों इससे आपका चेहरा बहुत व्हाइट होगा। आप इसे अपने चेहरे पर लगाइएगा, यह आपके चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और दोस्तों आप तरह तरह के खराब केमिकल से भी बचेंगे, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट में ज्यादातर पता नहीं किस किस प्रकार के केमिकल मिले होते हैं, जिससे हमारे चेहरे पर काफी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि बाहर की चीजों पर ना तो हमें टेस्ट होता है और बाहर की चीजों का हमें नहीं पता होता कि उनमें किस तरह के केमिकल मिले होते हैं। तो दोस्तों अगर आप घर पर ही ये रेमेडी बनाकर आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपके चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों अब मैं इसे आपको लगाकर भी दिखाऊंगी कि आपको इसे किस तरह अपने चेहरे पर लगाना है। दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि अगर आपके चेहरे पर कोई भी पुराना दाग धब्बे लगे हैं और वह ठीक नहीं हो रहे हैं, या पहले की कोई पुरानी चोट है उसके दाग ठीक नहीं हो रहे हैं, यह उसके लिए भी काफी फायदेमंद है। दोस्तों अगर आप इस रेमेडी को अपने चेहरे पर उन दाग के ऊपर बार बार लगाएंगे और अच्छे से मसाज करेंगे तो आपके वे दाग धब्बे भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। दोस्तों इस रेमेडी को आप इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों आपको यह उंगली लेनी है
और इस तरह अपनी उंगली पर लगाकर देखिए दोस्तों, आपको धीरे धीरे इसकी इस तरह मसाज करनी है, क्योंकि इस उंगली से हमारे किसी भी हिस्से पर ज़्यादा दबाव नहीं लगता है और हल्की से ही इसकी मसाज करनी है। और आपको यह मसाज ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए रेगुलर इसी तरह करनी है। और दोस्तों, इसे लगाते ही आप अपने चेहरे से हटाए नहीं, कम से कम 2-4 घंटे के लिए अपने चेहरे पर लगे रहने दें और फिर अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लें। और दोस्तों, लगाने से पहले भी आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें, ताकि यह आपके चेहरे पर अच्छा रिजल्ट दिखा सके। ठीक है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, आप इस रेमेडी को अपने चेहरे पर लगाएं और हमें बताएं कि आपके चेहरे पर इसका कैसा रिजल्ट रहा। दोस्तों, इससे आपके डार्क सर्कल तो गायब होंगे ही, साथ में आपका चेहरा काफ़ी ग्लो करेगा और आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और इससे झुर्रियाँ भी बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इसे हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप हमारी इस रेमेडी को लगाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपके चेहरे पर इसका कैसा रिजल्ट रहा। तो दोस्तों, अगली एक नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।